हेलो स्टूडेंट्स वी विल स्टार्टी अबाउट द चैप्टर ऑफ कंपेनियन बुक चैप्टर नंबर फाइव द हिच हाइकर यू रीड अबाउट द एडवेंचर ऑफ नरेटर एंड द हिच हाइकर हैड नाउ रीड अबाउट द डेंजरस ऑफ गिविंग पीपल अ लिफ्ट तो आपने पहले टेक्स्ट बुक में एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें नरेटर और हिच हाइकर जो थे किस तरह के एडवेंचर्स जो उन्होंने किए थे और अब हम एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें Uh, जो लोग हैं लिफ्ट लेने से उन्हें क्या खतरे होते हैं उसके बारे में सो द नेक्स्ट चैप्टर इज द हजार मीन्स लिफ्ट लेने के खतरे सो लेट स्टार्ट द न्यू चैप्टर ऑन हॉट समर डे इन नाइनटीन नाइन्टी ट्वेंटी फोर ईयर्स ओल्ड ब्रिटिश पॉल अनियंस वॉज हिच हाइकिंग ऑन द ह्यूम हाईवे साउथ ऑफ सिडनी ऑस्ट्रेलिया पॉल वॉज ग्रेटफुल वेन स्ट्रेंजर स्टॉप टू गिव हिम अ लिफ्ट he had no idea that accepting it wa would very nearly cost him his life. unaware of danger, danger, paul sat in the front seat of the vehicle and chatted with the driver. within minutes, the seemingly benevolent driver became aggressive and argumentative. then the driver suddenly pulled over, saying that he wanted to get some music tapes. फ्राम अंडर द सीट ही टुक आउट नॉट टेप्स बट अ गन विच ही पॉइंटेड एट पॉल्स चेस्ट अब एक गर्मियों के दिनों में उन्नीस सौ नब्बे की बात है और चौबीस ट्वेंटी फोर यानी कि चौबीस साल का जो ब्रिटिश पॉल अनियन था जो कि हिच हाइकिंग uh, करता था और वो जो है हाईवे पे साउथ ऑफ सिडनी जो कि ऑस्ट्रेलिया में है तो पॉल जो है वो काफ़ी ग्रेटफुल था वैन जब उसने एक स्ट्रेंजर को लिफ्ट दी अब उसे कोई आइडिया नहीं था कि मैं कि उसने जो लिफ्ट देकर कितना अपनी जो है लाइफ को भी मुसीबत में डाल लिया है तो इस तरीके के जो है चीज़ें मालूम नहीं होती है और पॉल जो है जब गाड़ी में बैठ जाता है तो वो ड्राइवर के साथ बात कर रहा होता है और थोड़ी देर में क्या होता है देखते ही देखते भलाई करने वाला ड्राइवर जो है वो आक्रामक हो जाता है तर्कशील हो जाता है यानी कि आर्ग्यूमेंट करने लगता है और अचानक से वो उसको थोड़ा पुल्ड करता है धकेलता है और बोलता है कि उसे कुछ म्यूज़िक टेप्स चाहिए सीट के अंदर से और वो निकालता है वो तो वहाँ टॉप वो टेप्स नहीं होती है, बल्कि क्या होती है गन होती है जिसे वो पॉल्स के चेस्ट पर रख देता है उसे पॉइंटेड कर देता है गन से ignoring the driver's command to stay seated paul arrived off his seat belt drove out of the car and ran with all his might up the highway the driver chased him on foot in full of view others motorist he finally overtook him grabbed him by his t-shirt and flung him to the ground breaking free paul ran in front of an oncoming van, which was being driven by a lady. At Paul's pleading, she let him in and sped away. Only later would Paul's attacker be identified as a serial killer who had murdered seven hitchhikers. अब वो जो है आंसुना कर देता है ड्राइवर की कमांड को और सीट पे बैठता है और जो उसकी सीट बेल्ट है वो उसकी फटी हुई होती है सीट बेल्ट तो वो ड्राइविंग कर रहा है लेकिन उसने हाईवे पर ठीक है और ड्राइवर जो है उसे खींचा तानी हो रही है वो पकड़ रहा है और वो हाईवे पे गाड़ी को भगाए जा रहा है ड्राइवर जो है वो पैरों से उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है और ये पूरा नज़ारा जो है दूसरी जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो देख रही हैं अब फाइनली जो है वो उसे पूरा ओवरटॉक ओवर कर रहा है और उसके बाद जो उसकी टी शर्ट है वो फट जाती है और वो धकेल कर ग्राउंड पे गिर जाता है तो अब वो फ्री हो चुका है अब पॉल जो है वो भाग कर जो उसके सामने वैन आती है वो उस पर आ, उसके सामने आ जाता है तो वो रुकवाता है उस गाड़ी को जिसे एक लेडी चला रही होती है अब जो पॉल है वो उससे प्रार्थना करता है और कि वो उसे अंदर ले ले तो वो उसको अंदर ले लेती है और जब पॉल का जो इतना ही नहीं बाद में जो अटैकर होता है वो पॉल उसे पहचान जाता है इसलिए अटैकर जो है उस पर अटैक करता है क्योंकि वो आ, सीरियल किलर है और जिसने सात इस तरीके से मर्डर भी किए हैं लिफ्ट लेने के उससे मेनी ट्रैवलर्स प्लान टू हिच हाइक टू कीप देयर एक्सपेंसिस टू अ मिनिमम अनफॉर्चुनेटली हिच हाइकिंग इज नॉट अ सेफ मोड ऑफ ट्रैवल दैट इज वंस वॉज नाइदर फॉर द हिच हाइकर्स नॉर फॉर दोज हु पिक दैम अप Uglyness to travel often means that young people depart insufficiently prepared for the journey and without fully understanding the dangers or uh, their responsibilities. Observes a booklet written for families searching for missing children. The booklet adds people who travel with an organized tour group or who follow well planned itineraries rarely go missing. तो कई बार क्या होता है कि काफ़ी सारे यात्री होते हैं और इस तरीके से प्लान करते हैं लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है दुर्भाग्यवश कि वो सेफ मोड नहीं होता है लिफ्ट लेने का और काफ़ी इस तरीके से लिफ्ट लेने के चक्कर में काफ़ी लोग फंस भी जाते हैं ठीक है और वो खतरे में पड़ जाते हैं और उत्सुकता होती है हमें ट्रैवलिंग करने की और हम उस चक्कर में वेल अच्छे से प्लान नहीं करते हैं अपनी जर्नी का यात्रा का और फिर हमारी जिम्मेदारियों से भी हम थोड़ा सा आ, हट जाते हैं और फिर हम खतरे में पड़ जाते हैं तो कई बार आपने देखा होगा जब हम जाते हैं पूरी तरीके से प्लान नहीं बनाते हैं तो कई बार क्या होता है कि जो फैमिलीज है घूमने का प्लान बनाती है और हमको हम लोग जो है ना घूमने के चक्कर में इतना उत्साहित हो जाते हैं कि हम अच्छे से प्लान नहीं बनाते हैं और आने वाले खतरे को और उससे जुड़ी हुई जिम्मेदारियों को अच्छे से नहीं निभा पाते हैं तो आपने देखा होगा ध्यान से कि बुकलेट में कुछ रिटर्न होता है जो फैमिलीज़ लिखती हैं जिसमें अपने मिसिंग चाइल्ड के बारे में वो लिखती हैं तो ऐसी स्थिति में जब हम अच्छे से प्लान नहीं करते हैं और बहुत जल्दबाजी में जब हम कहीं घूमने का प्लान कर लेते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि कभी कोई बच्चे खो को जाते हैं या फिर हम खतरे में पड़ जाते हैं तो आपने देखा होगा कि बुकलेट्स में इस तरीके की प्रॉब्लम्स को ऐड किया जाता है जहाँ से हमें पता चलता है कि हम जो है या लिफ्ट लेते हैं या ऐसे प्लान बनाते हैं तो उसमें खतरा रहता है तो लोग जो जैसे ट्रैवल करते ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज़ करते हैं अपनी टूर को प्लान करते हैं तो वहाँ पर वेल प्लान जो होते हैं अपने वो पूरे फॉलो नहीं करते हैं अच्छे से वो रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं जिसकी वजह से इस तरह की मिसिंग्स जो हैं हो जाती हैं और हम खतरे में पड़ जाते हैं और हम लिफ्ट तो हमें बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए क्योंकि हम आगे जाके बहुत प्रॉब्लम में फंस सकते हैं